तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के ओपिनियन पोल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कई ऐसी यहां पर जो बड़े ऐलान किए हैं बीजेपी ने, और आंकड़ों में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या बीजेपी की वापसी होगी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो माहौल बना हुआ है उस माहौल का यहाँ पर बीजेपी को फायदा होगा? क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान यहाँ पर, और इस मास्टर प्लान के बाद क्या बीजेपी दिल्ली में नई सरकार बना पाएगी? इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है। साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अब जो अपना वादे हैं, जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर उलझाने की कोशिश कर रही है जनता के लिए। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टियों का कहना रहा है। लेकिन जो सर्वे निकल कर आ रहा है, कुछ दिनों के अंदर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर है बीजेपी के लिए और दिल्ली की 70 सीटों के लिए क्या कहता है ओपनिंग पोल। और इसके अलावा बीजेपी को अकाली दल का भी अब साथ मिल गया है, और दिल्ली में अब बीजेपी अकाली दल यहां पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका फायदा बीजेपी को होगा। कितनी सीटों का फायदा होगा, क्या यहाँ पर बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में है? और बीजेपी ने जो बड़ा यहाँ पर ऐलान किया है कि 2 साल में दिल्ली के कूड़े पहाड़ को समाप्त करेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो गरीब विधवा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की यहाँ पर घोषणा दी है। और आयुष्मान किसान सम्मान निधि योजना लागू करेगी बीजेपी, क्यों? आयुष्मान योजना जो है वो दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की है। इसके अलावा दिल्ली में 200 नए स्कूल और 10 कॉलेज यहां पर खोलेगी बीजेपी, और यहां पर 200 यूनिट जो बिजली है और पानी को लेकर यहां पर बड़ा ऐलान नहीं किया है। और गरीबों को 2 रुपए किलो प्रति आटा यहां पर दिया जाएगा, ये बड़ी यहां पर घोषणा है। कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी भी कह सकते हैं कि अपनी योजनाओं में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये बड़ा ऐलान यहाँ पर है, जिसमें आटा और स्कूटी और अन्य जो यहाँ पर बड़े ऐलान है। 9वीं कक्षा में गए छात्रों को साइकिल की सुविधा यहाँ पर बीजेपी देगी फ्री, ये कहीं ना कहीं अब हर घर में नल से शुद्ध पानी देने का भी यहाँ पर वादा करती है बीजेपी। और 21 साल की होने पर लड़की को 2 लाख रुपए यहाँ पर राशि दी जाएगी, ये कई बड़े वादे बीजेपी अपनी यहाँ पर जो सत्ता है उसको आने के बाद इन योजनाओं को लागू करेगी। तो क्या कहता है अब दिल्ली की 70 सीटों के लिए ओपिनियन पोल, भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं जो कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े हैं। इजाफा हो रहा है बीजेपी का और इसका बीजेपी को फायदा हो रहा है। और अगर बात करें तो पत्रकारों का जो ओपिनियन पोल पहले आया था उसके अनुसार आम आदमी पार्टी 45, बीजेपी 20 और कांग्रेस के हिस्से में 5 सीट जा सकती थी उस ओपिनियन पोल के अनुसार। लेकिन हाल ही में जो सर्वे किया गया उसके आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। 59 से 60 सीटें आम आदमी पार्टी को और 10 से 11 सीटें यहां पर बीजेपी के हिस्से में। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़े दिखाता है। सट्टा बाजार के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। सट्टा बाजार के आंकड़े कभी सही तो कभी गलत भी सिद्ध हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो सट्टा बाजार आंकड़े यहाँ पर दिखा रहा है 25 से 30 सीटें यहाँ पर बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिस सरकार की योजनाएं लागू की हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। और कांग्रेस के हिस्से में 2 से 4 सीटें आ सकती हैं, और आम आदमी पार्टी को 30 से 42 सीटें यहां पर आ सकती हैं। सरकार बनाने के आंकड़े अभी भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं, लेकिन आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने वचन पत्र में किन यहां पर मुद्दों को रखती है उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। क्योंकि हर दिन नया सर्वे आ रहा है निकलकर और आंकड़े हर दिन बदलते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है उसके बाद आंकड़े हर दिन बदलते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।